अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। और मेरा नाम है सुहेल और मैं हूँ इस्लामाबाद से। यार ये हमारे इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के मुकाम पर ये बोर्ड लगाया गया है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता रहता हूँ तो नज़र पड़ती रहती है, तो सोचा क्यों ना आज की जो राइड है हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत ही अजीज़ हमारे भाई हैं और बड़े खूबसूरत दोस्त हैं और बड़ी दूर से हमारे पास राइड करके आ रहे हैं मिलने के लिए, तो सोचा यही मीटअप प्लान भी यहीं पर करते हैं और यहीं से राइड अपनी स्टार्ट करेंगे। और मेरे साथ हैं राइडर बॉय MK, बट अभी वो आ रहे हैं तो उनसे भी मिलाते हैं, फिर अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। तब तक आप यहाँ के कुछ शॉट चेक करें। फाइनली इमरान भाई आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। और लाहौर से राइड कर गए हैं, बाइक चेक करें खाली। भाई लड़का नॉट कमिंग स्लो है। पहले JS से डायरेक्ट इस पे आ गया। भाई हमें भी बताओ ये क्या राज है बाइकें चेंज करने का। यार नहीं कोई राज नहीं है, बस शौक है। शौक तो मूल नहीं है। तो राइड स्टार्ट करते हैं, इमरान भी फिर ऊपर बैठ के तरह गपशप लगाते हैं, ठीक है। Hey you, can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I'll be तो हम थोड़ा सा राइड करके ऊपर आए हैं मुनाल की साइड पे, दामने को हमने क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ पर अभी लगे हाथ हमारे हाथ में इस टाइम पे 250 और 150 तो हमारे पास ऑलरेडी आया, तो सोचा क्यों ना कि लाइफ में अगर अपग्रेड करना है तो 150 से 250 पे जाना चाहिए। तो 250 और इसमें कितना फ़र्क होगा, जारी बात है बीच में 100 cc का फ़र्क आ रहा है। बट एक अपना दिल की तसल्ली के लिए थोड़ी सी राइड लेते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि मतलब कि अगर ये बाइक हम अपग्रेड करते हैं अपना 150 से 250 पे तो कैसी राइड है। और Never stop till it's over, babe. Table top, please get that away. I'm a wreck. There's a reason though. Want that check, but I gotta learn to please him though. Working morning, afternoon, then we playing all night. I've been chasing after you, maybe once more, alright. Went from nothing. तो ये थी छोटी सी एक राइड हमारे RX1 की। और बाइक अच्छी है यार, जहरी बात है जब 150 से 250 पे अगर आप आओ तो एक अलग एक्सपीरियंस लगता है। और डिस्क है तो एक अलग ही मज़ा, ब्रेकिंग का भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। और इसीलिए पहले मैं डाउन साइड ले गया हूँ, ब्रेकिंग चेक की है, फिर अप साइड आया हूँ पावर चेक करने के लिए, तो पावर भी अच्छी खासी है। लाहौर से आए हैं, इन्होंने बाइक यहाँ से लिया था तो ये मरी लेके गए थे। तो इमरान भाई इधर आए ना, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें स्नो में या उसमें मरी में, आपको हिली एरिया में क्या राइड दी इसने।
बड़ा कंफर्टेबल रहा हूँ मैं और कोई मुझे इश्यूज नहीं थे, बस थोड़ा हाइड्रेलिक ब्रेक क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। हाँ, भी मैं भी खुद तो मुझे उसमें थोड़ा क्योंकि टच ब्रेक है, टच के साथ थोड़ा मुझे थोड़ा उसने परेशान किया, लेकिन विद इन 5 मिनट्स मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद शुक्र अल्लाह का सारा राइड। तो आप क्या कहते हो ट्यूरिंग वालों को कि ये लेनी चाहिए कि बाइक नहीं लेनी चाहिए? हाँ, लेनी चाहिए, रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कोई भी पावरफुल बाइक है वो टूर के लिए बेस्ट है, कोई भी हो चाहे। और 10 में से कितने आप देंगे इसको नंबर अगर ये टूरिंग में लेके जाते हैं? JS 150 को छोड़ दें क्योंकि अब लोग काफ़ी पूछेंगे JS है तो JS के साथ जिसका क्या मतलब मुकाबला? नहीं, JS अपनी जगह परफेक्ट है, तो अगर इसको मैं दूं तो मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। अच्छा। और एक इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसकी माइलेज जो है 20 to 25 है। अच्छा। जो कि बिल्कुल भी हमें जो सा सूट नहीं करती टूरिस्ट को, क्योंकि अगर तो छोटा टूर हो फिर तो चलो कम्फर्टेबल है, इकोनॉमिकल है, अब बड़ा टूर करना पड़ जाए तो फिर वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं। तो ये एक छोटा सा अपना रिव्यू है और इमरान भाई का तो ज़्यादा भी ड्राइव करके हैं तो उनका ज़्यादा ही मायने रखता है इस टाइम पे रिव्यू। हमारी जो छोटी सी राइड थी उसमें तो यही समझ लगा कि पावर भी अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है इस बाइक की और कंफर्ट भी है राइडिंग के लिए। और बाकी आपने अपनी चॉइस, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बाइक देखें। और जैस भी मारा नहीं है क्योंकि अपने पास अभी भी है ना तो अभी अपग्रेड नहीं किया। JS भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है टूरिंग के लिए। और बस अभी यहाँ पर ये छोटी सी एक राइड कर लिए तो अब यहाँ से निकलेंगे तो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद इमरान भाई ने यहाँ से जाना है लाहौर के लिए तो उनको बाय बाय करेंगे। सबसे पहले अभी यहाँ से चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद। सो हो चुका है खाना शाना भी हो चुका है और इस टाइम पे अलविदाई मोड है हमारे इमरान भाई का। इमरान भाई जा रहे हैं लाहौर के लिए यहाँ से। और ऑल द बेस्ट सर, खैरियत से जाएं, दुआएं आपके साथ हैं, बाकी सब अच्छा है। वीडियो याद अगर आपने देख लिया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हरकतें देखो किसी के बच्चे का खाने के साथ क्या कर रहा है। अरे राज यार।